बिल्कुल ऐसे ही इजी तरीके से अपने घर पे बना के इसे पपड़ी चाय के साथ या फिर सॉस चटनी के साथ आप खा सकते हैं और बहुत इजी तरीके से बन जाती है। तो नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी कुकिंग हिंदी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चावल की पपड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं आप, बहुत इजीली बनी है और बहुत कुरकुरी बनी है। इसे आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं कंटेनर में, बहुत इजी तरीका है। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन को अगर आप दबाते हैं तो जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगी सारी आप तक पहुंचेगी, सारी नोटिफिकेशन सब आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमने लिया है कंटेनर। कंटेनर में यहाँ पे मैं एक कटोरा पानी डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरी लिया है मीडियम साइज की, इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। इसमें मैं छोटी चम्मच से आप डालिएगा, तो यहाँ पे जीरा डालिएगा एक छोटी चम्मच, एक छोटी चम्मच नमक डाल दीजिएगा यहाँ पे, और एक छोटा चम्मच जो है आपको तेल डालना है। कोई भी तेल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो तेल यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने दो चम्मच जो है तेल डाला हुआ है, रिफाइन ऑयल है, आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, जब तक कि इसमें पानी में उबाल नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जो पानी है, इसको हम निकाल के देखते हैं कि ये जो है उबाल आया है या नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, जो पानी है अच्छे से उबाल आ गया है इसमें। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, चावल का आटा मैंने यहाँ पे एक कटोरी लिया है, सेम उसी कटोरी से जिस कटोरी से हमने यहाँ पे पानी ऐड किया था, तो उसी कटोरी से हमने यहाँ पे चावल का आटा लिया है। यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने चावल को है जो मिक्सी ग्राइंडर में पीस के उसका आटा बना लिया था, और ये जो पानी है इसमें हम सारे जो चावल के आटे थे उसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चावल का आटा इस तरह से आपको दिखेगा, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक आप इसे मिक्स कर दीजिए, बहुत ईजिली मिक्स हो जाता है। इसे जो है अब हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 5 मिनट हो चुका है। अब जो है इसे मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का हल्का जो है गरम है, तो गरम ही में आपको इसका जो डो है उसको तैयार करना है, ताकि जो है सूख जाने के बाद ये जब ठंडा हो जाता है ना तो बहुत कड़कड़ा हो जाता है। तो इससे अच्छा है आप गर्म में थोड़ा थोड़ा सा यूज कीजिए। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच जो है मेथी लिया है, जो कि मेथी को भून के और उसे अच्छे से पीस लिया था। यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो है गर्म मसाला लिया है। अगर आपको गरम मसाला को स्किप करना है तो यहाँ पे आप कुटी हुई लाल मिर्च यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसे अच्छे से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लेना है। यहाँ पे हल्दी मैंने यूज किया है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो कलर आता है वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, मेरा जो डो है बन के रेडी हो चुका है। अब जो है यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, जो कि इसके ऊपर से अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से इसका जो डो होता है वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डो है अच्छे से तैयार हो चुका है। अब जो है इसके हम एक छोटी छोटी लोई कर लेंगे, जो कि बिल्कुल इस साइज में रहेगी। जिस साइज में आपको पापड़ी बनानी है उसी साइज का आप लोई लीजिए। यहाँ पर आपको गोल गोल लोई करना है और बिल्कुल अच्छे से ये गोल हो जाती है। इसमें इसे जो है आप बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं और ये जो रेसिपी है बहुत अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा डो था, इसकी लोई जो थी वो गोल गोल बन के रेडी हो चुकी है। अब हम जो है सारी लोई को इसमें बना के रख लेते हैं। तो एक मिनट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन पर दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे वीडियो बनाएँ। तो यहाँ पे चलिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है हमारी सारी लोई ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि जो लोई का साइज है उसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ लोई बड़ी ली है, कुछ छोटी ली है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत अच्छे तरह से ये जो है हमारी लोई बन के रेडी हो चुकी है। अब जो है हमें सबसे ज़रूरत पड़ेगी इसे जो है बेलन की और चौकी की। तो यहाँ पे जो है मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे कटोरी में थोड़ा सा मैदा लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह पे चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूखा मैदा लिया है, अब जो है इसमें हम डीप कर देंगे मैदे में, जो कि बेलने में जो है बहुत आसान रहता है जब डीप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ, और बिल्कुल थोड़ा सा जो है बेलन चलाना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, नहीं तो ये फट सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल धीरे धीरे करके इसमें बेलन चलाना है। तो मैं यहाँ पे सारी पापड़ियाँ जो है बेल के रेडी कर लेती हूँ, और मैं यहाँ पे हाथ में लेके आपको दिखा देती हूँ कि ये जो है
किस टाइप से आपको करना है, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम साइज आपको रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो एक पापड़ी है इसे मैंने बेल के रेडी कर लिया है। यहाँ पे आप देख लीजिए बिल्कुल मीडियम साइज की है, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा मोटी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अब जो हम सारी पापड़ियों को ऐसे ही बेल के रख देंगे। तो मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ, अगर आपसे बेला नहीं जाता है तो ऐसे आप मैदे में डीप करिए। मैदे में डीप करने के बाद इसको हाथ से जो है थोड़ा थोड़ा करके और इस पर चपटा लगाइए ऐसे ऐसे करके, तो ये जो है अपने आप गोल बन जाता है, बिल्कुल ईजी तरीके से गोल बन जाती है। जिस साइज की आप बनाना चाहें बन सकती है, ये हाथ से भी बन जाती है, बेलन चौकी से भी बन जाती है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में जो है तेल रखा है। अब तेल में जो है हम चेक करते हैं कि एक डाल के ये जो है तेल गरम हो चुका है या नहीं। तो ऑलमोस्ट हमारा जो तेल है वो अच्छे से गरम हो चुका है, तो इसमें हम डाल के और धीरे धीरे इसको दोनों तरफ से आपको सेकना है, जो कि ये रेड कलर का ना हो जाए। जब ये सेक जाएगा तो ब्राउन कलर का हो जाता है, और ये जो पापड़ी है जब फूल के और जब रेडी होती है तो बहुत कुरकुरी लगती है, और इसे आप महीनों तक स्टोर करके कंटेनर में रख सकते हैं। बहुत इजी तरीका है बनाने का। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो हमारी पापड़ी है कितनी अच्छे फूल के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल कुरकुरी ये बनती है, तो बिल्कुल आसान है। इसे बच्चे भी बिल्कुल आसानी से खाना पसंद करते हैं, उन लोग को भी बहुत पसंद आती है पापड़ी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये बात है कि जल्दी ख़राब नहीं होती है। आप इसे बना के त्यौहार के एक दिन दो दिन पहले बना के इसे आप एक कंटेनर में भर के रख दीजिए, तो ये ऑलमोस्ट हमारी पापड़ी जो है रेडी हो चुकी है। तो बाकी जो पापड़ी थी उसे भी हम तल के रेडी कर लेते हैं। तो ये जो पापड़ी है हमने बची पापड़ी उसे भी हमने एक एक करके डाल दिया है। तो सारी पापड़ी को डालने के बाद इसे जो है हम अच्छे से सेक देंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखिएगा, ताकि जो है इसके अंदर से जो है वो भी सिक जाए और ये अच्छे से जो है कुरकुरी हमारी बनके रेडी हो। तो इसे बिल्कुल अच्छे से चलाते रहिएगा जब तक इसका कलर जो है ब्राउन कलर का ना हो जाए, तब तक इसे आप भूनते रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीन चार पापड़ी और डाली है। अब जो है ये हमारी जो है अच्छे से फूल के और पक के रेडी हो चुकी है। अब जो है इसे निकाल देते हैं हम, ये सॉप करने के लिए तैयार है। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, इस पापड़ी को जो है आप किसी भी सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ या फिर चाय के साथ बहुत अच्छे से इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने चाय के साथ इसको परोसा है, और इसे आप देख सकते हैं तोड़ के कितनी क्रिस्पी बनी है, और ये बहुत अच्छी भी लगती है खाने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।